स्मार्ट शहर और गांव डिजिटल हो रहा है, उद्योग लग रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, युवाओं का हर सपना साकार हो रहा है, ये झारखंड भी अपना आत्मनिर्भर बन रहा है, खुशहाली छाई है चाहो। मैं अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर। नमस्कार, कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आपका स्वागत है। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि झारखंड में कौन कौन से विकास के कार्य किए जा रहे हैं और साथ ही आपको बताते हैं कि लोगों को कैसे विकास की ओर ले जाया जा रहा है। दर्शकों, पहले के समय में देखा गया था कि जो भी लोग नृत्य कला से जुड़े हुए थे उनको वो मान सम्मान नहीं दिया जाता था जिनके वो हकदार थे, पर आज के समय में कला का क्षेत्र इतना आगे बढ़ चुका है, नृत्य में जुड़े लोग इतने आगे पहुंच चुके हैं जिसको देखते हुए अब सारे लोग इस कला के क्षेत्र में जुड़ना चाह रहे हैं। साथ ही अभिभावक भी अपने बच्चों को बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, क्योंकि आज के समय में नृत्य के क्षेत्र में लोग इतने आगे निकल चुके हैं, अपने नाम को इतना आगे बढ़ा चुके हैं, देखते हुए अभिभावक भी अपने बच्चों को इसमें प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो चलिए इसी कड़ी पे बात करते हुए आज हमको लिए चलते हैं धनबाद के झरिया में रह रही उन बच्चियों के पास जो कि कोयला चुनने का काम करती हैं और साथ ही साथ नृत्य का प्रशिक्षण प्राप्त करके अपने नाम को आगे बढ़ा रही है। हम उनके इस जज्बे को सलाम करते हैं और साथ ही साथ उनसे ही जानते हैं कि वो इस क्षेत्र में किस तरह से मेहनत कर रही हैं और किस तरह से अपने नाम को आगे बढ़ा रही है। जीवन की गुणवत्ता में किसी व्यक्ति या समाज के अस्तित्व के सकारात्मक और बुरे दोनों तत्व शामिल है। शारीरिक स्वास्थ्य, परिवार, शिक्षा, रोजगार और वित्तीय स्थिरता, ऐसे कई पहलू हैं जो किसी व्यक्ति के संपूर्ण कल्याण में जाने जाते हैं। इसी क्रम में अगर झारखंड के झरिया कोयला क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ के लोगों को की जीविका यहाँ के कोयला खदानों पर ज्यादा निर्भर करती है। यहाँ उत्पादित बिटुमिनस कोयला कोक के लिए उपयुक्त है। भारत का अधिकांश कोयला घाटी में झरिया और रानीगंज के खेतों से आता है। जोहार, झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम धनबाद जिला में झरिया में उपस्थित हैं। यहाँ के बच्चे कोयला चुनकर अपने माँ पिताजी के साथ अपना जीवन यापन किया करते थे, अब शिक्षा प्राप्त करके स्वावलंबी बन रहे हैं, धनबाद जिला में अपना नाम को रोशन कर रहे हैं और अपनी प्रतिभा को धनबाद जिला में लोहा मनवा रहे हैं। आइए इन बालकों से मिलते हैं। देखिए, झरिया तो पहले ये ऐसा एक जगह है जो कोयला के लिए मशहूर है और इससे कोयला तो झरिया से जा रहा है ये, और इसके ऊपर में BCCL एक कंपनी है, वो अभी मतलब 1972 से काम कर रही है, गवर्नमेंट एजेंसी बन गया है। उसके पहले भी झरिया का कला में एक तो नाम था, क्योंकि झरिया का कमला झरिया के बारे में अगर आप जानते हैं, जो कीर्तन का बहुत बड़ा गायिका थी, अपना ये कल्चरल एक्टिविटीज का सेंटर था। लेकिन पिछले कुछ सालों से, दैट इज अराउंड 30-40 ईयर्स से क्या हो गया ना, ये झरिया के ऊपर में कल्चरल एक्टिविटीज थोड़ा कम हो गया, खाली कोयला माफिया उठाना, कोयला चोरी, आग, धूल, प्रदूषण। झरिया भी मल्टी एक प्रॉब्लम में फंस गया है, झरिया सारा कोयला अंचल के हिसाब से। तो यहाँ पर मैं देख रहे हैं कि उसी जगह से जब हम बच्चा लोग को पढ़ाना शुरू किए, बच्चा लोग को नजदीक में और जाए तो वहां पर मैं देखने आया कि इस बच्चा के अंदर में थोड़ा कला का सेंस है, मतलब आर्ट का, ड्राइंग का, अच्छा ड्राइंग बनाता है, डांस अच्छा करता है, कोई कोई अच्छा गाना गाता है, इंस्टेंट स्पीच अच्छा बोल लेते हैं। तो हम सोचे कि चलिए इनका ऊपर में एक तो वो फोरम बनाया जाए, एक तो ग्रुप बनाया जाए। तो पढ़ाने के पहले, पढ़ाते पढ़ाते इसको सोचे, तो हम लोग एक तो दो चीज को बनाए हैं, एक नृत्य डांस ग्रुप बनाए हैं और एक तो ऑर्ली कॉर्ली आर्ट फाउंडेशन टाइप का चीज बनाया है। झरिया में जब से कोयला खनन शुरू हुआ है और अब वहां 20 से अधिक भूमिगत खदानें और कई बड़ी खुली कोयला खदानें हैं। कोयला का काम खुले गड्ढों में किया जाता है, लेकिन मजदूरी और सुरक्षा की स्थिति खराब है। यहां काम करने वाले खनिक आमतौर पर स्थानीय यूनियन से होते हैं और अपनी आजीविका के लिए झरिया की कोयला खनन अर्थव्यवस्था पर निर्भर होते हैं। मैं कोलफिट चिल्ड्रन क्लासेस का स्टूडेंट हूँ और हम लोग यहाँ ढेर बहुत लोग हैं जो हम लोग यहाँ पर कोचिंग करते हैं, कंप्यूटर क्लास करते हैं, ड्राइंग क्लास करते हैं, और हम लोग का टीचर है पिनाकी राय और जो हम लोग का ड्राइंग टीचर है वो संजय सर है। आप
कंप्यूटर क्लास करते हैं, ड्राइंग क्लास करते हैं। इसके अलावा जब पिनाकी सर से भेंट नहीं हुआ था, जब इस क्लास में नहीं आते थे, तो कहीं वहाँ पिताजी के साथ कोयला बेचने का भी काम किया करते थे क्या? हाँ, हम जब हम लोग को पिनाकी सर से जब हम लोग का मुलाकात नहीं हुआ था, तब हम लोग कोल माइन में कोयला निकाल करके गुजारिश करते थे। अब पिनाकी सर से मुलाकात हो गया है, तो आप कोयला निकालने जाते हैं कि नहीं जाते? हम जाते हैं टाइम बचा के, पर हम यहाँ पर आते हैं तो सुबह में जाते हैं कोयला लाने, फिर शाम में आकर के यहाँ ट्यूशन करते हैं। मैंने छोटू कुमार कॉर्पोरेट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ। पहले हम कोयला में काम करते थे मम्मी के साथ, और जब हमको सर मिले तो यहाँ 2018 में ट्यूशन यहाँ ज्वाइन किए, और हम लोग स्कूल में सर को फीस भी देते हैं, ट्यूशन का भी फीस, और हम लोग का जितना ड्रेस व्रेस और जूता मोजा बैग सारा खर्च सर उठाते हैं। तो आपने बोला यहाँ ट्यूशन पढ़ते, तो क्या यहाँ ट्यूशन का पैसा भी लगता है क्या? नहीं नहीं लगता है ना? और आप लोगों को डांसिंग क्लास भी सिखाया जाता है? हाँ, यहाँ डांसिंग सिखाया जाता है, सुमन जन का डांस सिखाते हैं। तो क्या क्या डांस में सिखाया जाता है? जैसे देश रंगीला गाना सॉन्ग, और कोई भी गाना होता है जिसमें हम लोग बोलते हैं, जो भी गाना उसमें हमको सिखाया जाता है। तो डांस सीखते हैं, तो कहीं पार्टिसिपेट भी किए हैं आप लोग? स्कूल में 2 बार किए हैं, उसमें उनका 2 बार प्राइज भी मिला है स्कूल में। आज हम आपको किसी कोयले खदान की नहीं, बल्कि यहाँ काम करने वाले गरीब परिवारों से आने वाले बच्चों की जिंदगी के बदलाव के बारे में बताएंगे। किस तरह आज कोयले की कालिख से निकलकर यहाँ के गरीब परिवार के बच्चे आज अपने जीवन में उजाला लाने में जुटे हैं, जिनमें इनकी मदद कर रहे हैं पिनाकी राव। इनकी मदद से यहाँ के बच्चों को शिक्षा के साथ साथ तकनीकी ज्ञान, नृत्य की कला से जोड़ने का काम किया जा रहा है। हाल के दिनों में 4-5 सालों में इनका एक अलग इंस्टीट्यूशन चला कि क्लासेस, चिल्ड्रन क्लासेस चलाने लगे। उसमें क्या है कि ये ट्यूशन पढ़ाने जाते थे दूर दराज में, तो लोग कुछ बच्चे को इन्होंने देखा कि भाई ये कोयला भी काटते हैं लोग, कोयला काट कर अपने जीवन यापन करते हैं, लेकिन बच्चे में क्वालिटी तो है लेकिन पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं किसी तरह से जीवन यापन करते हैं। तो इन्होंने सोचा कि भाई चलो इन बच्चों को हम शुरुआत करें, 2 से 3 से 4 से आज जो है 100 बच्चों को ये ट्यूशन देते हैं, और उनके अंदर जो प्रतिभा थी तो पेंटिंग से लेके डांसिंग से लेके सारा इन्होंने क्लास शुरू किया, और आज ये बच्चे एक जो कोयला चुनने वाले बच्चे जो थे, बच्चे नॉर्मल होते हैं, उनके परिवार में उससे नहीं है, तो बच्चे जो है माता पिता के सहयोग में लग जाते हैं। जनरली बच्चे जो है देखते हैं कि भाई हमको वही काम करना है, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि कभी कुछ बदल पाएगा, तो इन्होंने उसके जीवन में एक रोशनी जगाई, और आज जो है वो बच्चे धीरे धीरे जो है शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, साथ ही मैंने कि डांसिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, इतना ही नहीं कंप्यूटर भी सीख रहे हैं, हर तरह के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। और हाल के दिनों में इन्होंने एक कर दिखाया कि बच्चियां जो डांसिंग के क्षेत्र में जिला स्तर से लेकर फिर कलकत्ता क्षेत्र में गई, वहां भी अच्छा मने अंक से प्राप्त की, उसके बाद फिर पूरे राज्य में उन्होंने अव्वल लाया और राष्ट्रीय स्तर पर सेलेक्ट हुई, और वो वहां जाकर अपनी भागीदारी दिखाई। ड्राइंग पेंटिंग वॉल पेंटिंग ये सब का क्लासेस मैं देता हूँ, साथ में इसके अलावा और भी एक्स्ट्रा मुझे जो जरूरत लगा कि इस तरह का हो, या फिर उनका संगीत नृत्य वगैरह में भी मैं काफी हेल्प करता हूँ। ये मुझे इनसे काफी प्रेरणा मिलती है पिनाकी सर से, मैं तो ऐसे इनसे 20-25 साल पहले से ही जुड़ा हूँ, लेकिन इधर कुछ सालों से मैं इनको देख करके काफी ये हुआ हूँ, और मैं भी थोड़ा सा इसको इनको हेल्प करना के मन से ये आया हूँ, क्योंकि ये कोयले की खान से हीरो को तलाश रहे और तलाशते भी हैं, इनका एक काम बहुत ही अच्छा लगा। तो बच्चों को आत्मनिर्भर बनने के लिए कंप्यूटर क्लासेस भी चलाते, क्या क्या कंप्यूटर में सिखाते हैं उन लोगों बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों में बेसिक टाइपिंग वगैरह है और सब ये है, लेटर राइटिंग वगैरह है, बहुत तरह का है कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर में क्लास भी कराते हैं, कंप्यूटर क्लासेस भी होती है। आज यहाँ नृत्य करने वाली लड़कियाँ उच्च स्तर पर अपनी कला का प्रदर्शन कर रही हैं, अपनी एक पहचान बना रही हैं। इस हुनर के साथ आगे चलकर इन बच्चियों की जिंदगी जाहिर तौर पर कोयले की कालिख से निकलकर शिक्षित और सुरक्षित जीवन की तरफ अग्रसर होगी। मैं
मैं चाहती थी कि मैं उस कोयला माइन से निकलूं, मैं आगे कुछ करूं। उसके बाद हमारे जो सर थे वो आए, हम लोग को समझाए, मेरे पेरेंट्स को समझाए कि ये काम से इतना रिस्क लेकर क्यों कर रहे हैं, बच्चा लोग को पढ़ाइए, बच्चा को आगे बढ़ाइए और उसमें जो भी हेल्प हो सकता है तो हम लोग करेंगे। और सर उसी द्वारा उसी समय से सर हमारा बहुत सपोर्ट किए, तो हमारा हम लोग का एक क्लास खुली है पॉलफिल चिल्ड्रेन क्लासेस, जो कि सर यहाँ से जाते हैं केंदुआ क्लास करवाने के लिए। और उस क्लास में हम लोग का कंप्यूटर सिखाया जाता है और ड्राइंग क्लास सिखाया जाता है। ड्राइंग क्लास का टीचर है संजय सर, और कंप्यूटर और इंग्लिश जो सर सिखाते हैं वो हमारे पिनाकी सर है। और मुझे डांस का बहुत ही ज़्यादा शौक था, तो मैं एक बचपन से ही डांस करते आई हूँ। तो एक समय था कि मतलब कि हम लोग टीचर डे मनाने के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम करते थे, तो उस समय हम लोग डांस किए थे, जो कि वो डांस सीखने के लिए हम लोग एक दो महीना से प्रैक्टिस कर रहे थे। और भी कुछ लड़की थी हमारे साथ केंदुआ यूनिट की, राधिका, सुहानी, अंजलि, आरती, हम लोग इतने लड़की मिल करके बहुत सारा मतलब कि डांस प्रैक्टिस किए। जब हम लोग मतलब कि 5 सितंबर का दिन जब डांस किए तो सर ही हमारा मतलब कि बोले कि इतने अच्छे टैलेंट है, तुम इसे छुपा क्यों रही हो, इसे बाहर करो, पूरा लोग को दिखाओ। क्योंकि हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ का बच्चे लोग और जितने भी फैमिली है वो कुछ आगे नहीं सोचते हैं, उन लोग का मतलब कि मैं बता सकती हूँ कि इतना मतलब कि दिमाग नहीं है, या फिर दिमाग है फिर है भी तो वो लोग मजबूर है कि उनका उतना लेवल नहीं है, क्योंकि कोलमैन से वो पूरा घर चलाते हैं। रंगपोती रंगीला अंतरे आवड़ भूतो मारी कोठा, रंगपोती रंगीला अंतरे आवड़ भूतो मारी कोठा। दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में आपने देखा धनबाद झरिया में रह रही उन बच्चियों के बारे में जो कि कोयला चुनने का काम करती हैं और साथ ही साथ नृत्य का प्रशिक्षण प्राप्त करके खुद के नाम को आगे बढ़ा रही हैं और साथ ही साथ अपने माता पिता के नाम को भी आगे लेके जा रही हैं। मैं आशा करती हूँ कि हमारे आज के कार्यक्रम में आपको अच्छी जानकारी मिली होगी और आप इससे संतुष्ट भी हुए होंगे। फिलहाल आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर।